इसको पहचानते हो ये क्या है आप लोग? इसको कहा जाता है रिसाइकल बिन। ठीक है, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि ये चीज़ें कोई बताता नहीं है जनरली, लेकिन फिर भी आपको जानना है तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मैंने भी खूब एक्सपेरिमेंट किया अपने जीवन में। ठीक है, आप लोग भी करिए, कभी घाटा होगा तो कभी फायदा होगा, जैसे मुझे हुआ करता है। ठीक है, लेकिन घाटा हो जाए तो थोड़ा देखिएगा, दिल संभाल के रखिएगा, हार्ट अटैक मत हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं जब एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो मेरे सामने आते रहते हैं ऐसे समस्या, अब आदत हो गया है। ठीक है, मैं कल डिलीट किया था इसको तो ये आ गया है यहाँ। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ें आप डिलीट करते हैं ना तो वो जाता है कहाँ पे? इसमें चला जाता है। जैसे मैं इसको सीधा पकड़ के इसमें डाल दूँ तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, कुछ भी चीज़ें डिलीट करते हैं हम तो वो जाता है रिसाइकल बिन में। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि डिलीट कर दें रिसाइकल बिन में ना जाए, तो शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे तो नहीं जाएगा रिसाइकल बिन में, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब परमानेंट डिलीट हो गया फिर भी आपको रिकवर करना है तो क्या करेंगे आप? कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आता है जिससे आप रिकवर कर सकते हैं, ये संभव है जो है। ठीक है, डेटा वही रिकवर नहीं किया जा सकता है जो कि क्या हो, वही डेटा रिकवर नहीं किया जा सकता जो कि ओवर राइट कर दिया गया हो। ठीक है, जैसे मैंने डेटा डिलीट कर दिया, ठीक है, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया, ठीक है, लेकिन वो डेटा फिर भी वहीं पे रहता है, बस हमें दिखाई नहीं देता, इंटरनली तो वहीं पे रहता है। बस होता ये है कि दोबारा हम कुछ डालते हैं उसमें फाइल, तो वो डेटा के जगह पे वो ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, ओवरराइट हो जाता है, इसका प्रमाण तो मैं अभी तुरंत दे नहीं सकता आपको। ठीक है, लेकिन डिलीट किया हुआ डेटा रिकवर आप कर सकते हैं, कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, अब डिलीट करने के बाद जब रिसाइकल बिन में चला जाता है तो स्पेस का खाली हो जाता है? नहीं जी, स्पेस खाली नहीं होता है। मैं इसमें यहाँ पे आऊँगा, ये देखिए यहाँ पे ट्रैश का एक फाइल बना है, ये जो है लिनक्स से डिलीट करने पे ऐसा फाइल बनता है। ठीक है, तो लेकिन ये ट्रैश वाला फोल्डर लिनक्स में नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप जो फाइलें डिलीट करते हैं उसी ड्राइव में ही रह जाता है। ठीक है, आपको देखना है डिलीट करने पे कहाँ रह जाता है, तो आप आइए डी लिखिए, कॉलन दीजिए, एंटर मार दीजिए। क्या बोल रहा है, नहीं देखने देगा ये, इसका इतना हिम्मत, लेकिन हम तो देख करके ही मानेंगे। ये देख लीजिए आप, ये रिसाइकल बिन नाम का फोल्डर है यहाँ पे ना, तो ये फोल्डर जो है हाइड रहता है। ये देख लीजिए आ गया, ये देखिए इसमें क्लिक करेंगे तो जो है खुल जाएगा। ठीक है, तो रिसाइकल बिन नाम का देखिए फोल्डर है, और उसी फोल्डर के अंदर जो है आप जो भी डेटा डिलीट करेंगे ई ड्राइव से, वो डेटा जो है वहां पे चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए आ गया, यहाँ पे ट्रेस को डिलीट किया था तो आ गया है ना ट्रेस, यहाँ पे देखिए आया है ना ट्रेस, तो यही है। यहाँ पे इसको ओपन करूँगा तो ये फाइल शायद ज़्यादा हैवी है, इसीलिए ये टाइम लगा रहा है खुलने में या हैंग कर जा रहा है। ठीक है, तो जिस ड्राइव का आप डेटा डिलीट करेंगे, ठीक है, उसी ड्राइव का डेटा जो है उसी में रहता है, बस इधर एक ठो फोल्डर बन जाता है रिसाइकल बिन नाम का। ठीक है, जैसे यहाँ मैं बोल दिया हाइड सो फोल्डर, ओके कर दिया, फिर भी वो नहीं दिखा, तो फिर भी नहीं दिखेगा। ठीक है, वो कैसे दिखेगा उसको, अगर मैं, मेरा सिस्टम ट्रिपल बूट है, एक विंडो 7 है, यूबंटू है और विंडो 10 है, तो जब मैंने लिनक्स से अपना इस कंप्यूटर को ओपन करूँगा तो वो फोल्डर दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे लिनक्स वाले में तो अभी रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर है नहीं कि मैं रिकॉर्ड करके दिखा दूँगा आपको। ठीक है, खैर देखते हैं कुछ जुगाड़। ये देखिए ये अभी भी खुला नहीं है जो है। ठीक है, तो ये शायद हैवी ज़्यादा फाइल होगा इसलिए नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप डिलीट करेंगे इस रिसाइकल बिन फोल्डर के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि रिसाइकल बिन में जाता है नहीं है, उस रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन रिसाइकल बिन नाम का फोल्डर होता है प्रत्येक ड्राइव में, उसी ड्राइव में जो है, उस ड्राइव के उस फोल्डर में जो है चला जाता है फाइल, राइट। इतना चीज आपको क्लियर हो गया। मैं ये चाहता हूं कि मैं कभी वीडियो अगर डिलीट करूं तो रिसाइकल बिन में ना जाए, या फिर कितना जीबी तक का फाइल रिसाइकल बिन में जाए। जैसे मान लीजिए मैं मूवी, ये मूवी का फोल्डर है मेरे कंप्यूटर में, मैं इसको राइट क्लिक किया, किया डिलीट, ठीक है, यस कर देता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, डू यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, दिस फोल्डर इज टू लार्ज फॉर द रिसाइकल बिन। मतलब ये कह रहा है कि रिसाइकल बिन का जितना साइज है उससे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब देखिए आप, खाली तो 400 कितना 479 जीबी है, ठीक है, और मैं डिलीट कितना जीबी कर रहा हूँ जी, 100 जीबी, 106 जीबी का लगभग ये फोल्डर है। तो कहाँ ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं है ना, फिर भी ये बोल रहा है परमानेंट डिलीट कर देगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो एक ही होगा कि रिसाइकल बिन का कुछ साइज होगा, उस साइज से ऊपर हम डिलीट नहीं कर सकते, यही होगा ना इसका मतलब। इस साइज का पता कैसे लगाया जाए, बड़ा आसान काम है, राइट क्लिक करिए, जाइए रिसाइकल बिन के प्रॉपर्टी में, ठीक। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए टोटल स्पेस वगैरह बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका मैक्सिमम साइज इतना MB है जी, ठीक है। अब डोंट मूव रिसाइकल बिन में मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो ये देखिए ओके कर देता हूँ मैं, ठीक है, सिलेक्टेड है मेरा ये वाला और मैं कर रहा हूँ ओके, ठीक। अब देखिएगा इस फोल्डर यहाँ पे मैं आया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाया, न्यू फोल्डर बना, अब इसमें राइट क्लिक करके कर दूंगा मैं डिलीट, तो ये बोल रहा है परमानेंटली डिलीट कर दूं, मैं बोला यस कर दो जी। तो ई ड्राइव में मैं कोई भी चीजें नॉर्मल डिलीट अब करूंगा तो परमानेंट डिलीट होगा, लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी चीजें नॉर्मल डिलीट करूंगा तो देखिए रिसाइकल बिन में जा रहा है ना, बोल रहा है जाने के लिए, तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से सेट कर सकते हो कि इस ड्राइव का डेटा रिसाइकल बिन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर अगला यहाँ पे बोल रहा है डिस्प्ले डिलीट कंफर्म डायलॉग बॉक्स, ठीक है, डिस्प्ले कंफर्म डायलॉग बॉक्स, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, कंफर्म करने के लिए बोलता है ना, आप डिलीट करना चाह रहे हैं कि नहीं, तो ये उसी का बात कर रहा है कि ये कंफर्मेशन का डायलॉग बॉक्स दूं कि ना दूं। अनचेक आप कर दोगे तो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा कंफर्म करने का, सीधा डिलीट करेगा, और इसको चेक करेंगे आप तो जो है डिलीट करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। अब यहां पे मैं अगर साइज बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो मूवी नाम का जो फोल्डर है वो भी रिसाइकल बिन में जा सकता है फिर, ठीक है। मैं नहीं बढ़ा रहा हूं, आप बढ़ चाहो तो देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कर दिया इसको ओके, ठीक। इतना चीजें तो समझ में आ ही गया होगा आप कि रिसाइकल बिन का साइज बढ़ाया कैसे जाए, घटाया कैसे जाए, या फिर हम डिलीट करें तो रिसाइकल बिन में कभी जाए ही ना, क्यों? ये चीजें आपको समझ में आ गया नहीं आया? आ गया? कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? नहीं, नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। मैं फिर से डिलीट करता हूँ इसको, ये मूवी फोल्डर है लगभग 100 जीबी का, मैं इसको डिलीट बटन पे क्लिक किया, फिर कर दिया यस। अब ये बोल रहा है डू यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, इसका मतलब ये है कि ये टू लार्ज फॉर द रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन का जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा जो है इस फोल्डर का साइज है, इसलिए बोल रहा है कि परमानेंट डिलीट करूंगा मैं, रिसाइकल बिन में नहीं डाल सकता इसको, तो मैं नो कर दूंगा भाई, मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा हूँ ये मूवी का फोल्डर, ठीक है। तो इसका साइज मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, अगर ज्यादा साइज होगा तो आ जाएगा ना रिसाइकल बिन में। तो यहाँ पे साइज लिखा हुआ है कि कितना साइज जो है जा सकता है रिसाइकल बिन में, ठीक है। तो यहाँ से मैं साइज बढ़ा दूंगा रिसाइकल बिन का, तो रिसाइकल बिन का साइज बढ़ जाएगा, तो मूवी नाम का फोल्डर इस रिसाइकल बिन में फिर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना साइज है मेरे को नहीं मालूम है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये कितना MB में बता रहा है ना, देखते हैं कैलकुलेट करके ये कितना साइज है।
इक्वल टू का साइन दूंगा मैं, ठीक है, 1024 डिवाइड बाई इतना, ठीक है, ये पता नहीं कितना आ गया, मुझे नहीं मालूम, खैर छोड़िए, ये MB में डेटा मांगता है, ठीक है, तो 100 GB का मेरा लगभग फोल्डर वो फाइल है ना, या 110 GB का है, 110 GB का है, ठीक, 110 GB में जो है लिमिट बढ़ा रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1024 से, ठीक, तो ये देख लीजिए जी, इतना वैल्यू आ गया। अब मैं इसको कर दूंगा रिसाइकल बिन के साइज में, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, पेस्ट किया यहाँ पे, अब इसी को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ये लीजिए, ओके कर दिया, रिसाइकल बिन का साइज तो अब बढ़ गया ना, तो अब जो है जाना चाहिए, ये देख लीजिए, यस किया, ये देखिए डिलीट हो गया, अब रिसाइकल बिन में जो है ये मिल जाएगा मेरे को, किधर है जी, यही फोल्डर है, आ गया ना। अब मैं इसको चाहूँ तो कट करके वहाँ पे ले जा सकता हूँ, या रिस्टोर पे क्लिक करूँगा तो रिसाइकल बिन नाम का फोल्डर जो है फिर से यहाँ पे, रिसाइकल बिन बोल रहा हूँ, मूवी नाम का फोल्डर यहाँ पे फिर से आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लिमिट वगैरह बढ़ा घटा सकते हो अपने रिसाइकल बिन का, बड़ा आसान काम है ये सब, ठीक है, कर लोगे हो जाएगा सबसे। अब एक चीज़ है और, ये तो आपको समझ में आ गया रिसाइकल बिन के पीछे का साइंस क्या है, ठीक है। मान लीजिए मैंने मूवी नाम का जो फोल्डर था उसको मैंने डिलीट किया, रिसाइकल बिन में वो जाके है, ठीक, और मैंने रिसाइकल बिन को जो है राइट क्लिक किया, यहाँ पे एम्प्टी नहीं किया हूँ, ठीक है, एम्प्टी कर दिया तो सारा रिसाइकल बिन जो है खाली हो गया, ठीक है, देखिए अब खाली हो गया रिसाइकल बिन। लेकिन मान लीजिए कि रिसाइकल बिन जो है मैंने खाली नहीं करा है, ठीक, जो रिसाइकल बिन नाम का फोल्डर है, ठीक है, मैं उसको खाली नहीं किया, ठीक है, और मेरे रिसाइकल बिन नाम के फोल्डर में 10 GB तक का फाइल है, राइट, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपना कंप्यूटर ही फॉर्मेट कर दिया, ठीक, अपना कंप्यूटर मैंने कुछ डेटा डिलीट किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आया, ठीक है, और इस फोल्डर को मैंने डिलीट किया यहाँ से, ठीक है, अभी ये तो डिलीट नहीं होगा, डिलीट होगा तो रिसाइकल बिन में जाएगा नहीं, सॉफ्टवेयर किस चीज़ को मैं डिलीट कर दूँ, मैं नहीं डिलीट करूँगा जी कुछ भी, मेरा इच्छा नहीं है डिलीट करने का, चलिए मैं इसी को डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट हो गया ये, अभी आ गया है रिसाइकल बिन में, ठीक है, 4 GB का लगभग ये फाइल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि खाली तो मेरा अभी स्पेस ये नहीं हुआ है ना, ये डिलीट तो मैं किया हूँ पर रिसाइकल बिन में है, स्पेस तो खाली हुआ नहीं है हार्ड डिस्क का, ठीक है। अब मैं क्या काम करूँगा कि अब इस कंप्यूटर को मैं फॉर्मेट कर दूंगा, ठीक, फॉर्मेट करने से मेरा कंप्यूटर में क्या होगा, ये सी ड्राइव खाली फॉर्मेट करूंगा और इसमें विंडो दोबारा से डाल दूंगा ना, तो जब कंप्यूटर फॉर्मेट होने के बाद ओपन होगा तब तो ये रिसाइकल बिन खाली होगा ना, उस समय पे खाली होगा। लेकिन क्या फॉर्मेट करने से पहले जो डेटा रिसाइकल बिन नाम के फोल्डर में जा चुका था वो डेटा भी डिलीट हो जाएगा मेरे कंप्यूटर का, हो जाएगा नहीं होगा, वो डेटा डिलीट नहीं होगा आपके कंप्यूटर का, ठीक, ठीक है, वो डेटा डिलीट आपका नहीं होगा। ई मैं लिखा, एंटर मारा, ये रिसाइकल बिन नाम का फोल्डर है, इसी में तो सारा मूव हो जाता है, ठीक है, ये डाउनलोड करा देगा ये तो, ये देखिए है ना, यहाँ पे सारा डेटा मैंने जो अभी डिलीट किया, ठीक है, मैं ब्राउजर के थ्रू देख रहा हूँ इसको, कहे कि वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, आप लिनक्स में मैं वो अगर चालू करूँगा तो ये दिखाई दे देगा मेरे को, इस या फिर मैं ब्राउजर में इसको देख लूँगा, तो ये देखिए रिसाइकल बिन नाम का फोल्डर है, ठीक है, इस फोल्डर में मैं गया, डेट वाइज ये रखता है आप अपना, ठीक है, ये कुछ इसका अपना सोर्स फाइल वगैरह है,
ओपन डिल डाउनलोड हो गया ये, खुल जा भाई। तो राइट क्लिक, ओपन, मैं इसको कैसे करूँ, इससे ओपन कर दो क्या? ये तो आपके समझ से बाहर का है, मेरे भी समझ के बाहर का है। इसको पढ़ने के लिए डिकोड करना पड़ेगा मुझे। खैर छोड़िए, मैं इसमें जाऊंगा तो ये देखिए, जो मैं फोल्डर विंडोज वगैरह का डिलीट किया था वो यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब क्या है कि मैं रिसाइकल बिन में तो ये है ही है ना अभी। अब मैं विंडोज को ही अगर फॉर्मेट कर दूं तब तो रहेगा ना, क्यों? अगर मैं विंडोज को ही फॉर्मेट कर दूं मान लीजिए, ठीक है, तब तो रिसाइकल बिन नाम के फोल्डर में ये रहेगा ही ना, ये फोल्डर तो यहाँ से डिलीट होगा नहीं, क्यों? डिलीट नहीं होगा ना भाई। मेरा ये डेटा कहाँ है? रिसाइकल बिन में है, ठीक है, लेकिन सच में रिसाइकल बिन में तो गया नहीं है वो। कहाँ गया है जी? बता रहा हूँ कहाँ गया है। ये जो है मेरा ये ड्राइव है, इसी ड्राइव के अंदर तो रिसाइकल बिन नाम का एक फोल्डर है ना, और उस फोल्डर में है। उस फोल्डर को देखना है तो क्या करेंगे, ब्राउजर को मैं खोल लिया, ई लिखा, एंटर मार दिया, ठीक। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर यहां पे आकर के हमारा डेटा है। तो अगर मैं अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करूंगा तो क्या करूंगा, इसी ड्राइव को फॉर्मेट करके इसमें सी फिर से डालूंगा ना विंडोज में। तो इस ड्राइव का जो डेटा रिसाइकल बिन नाम के फोल्डर में है वो तो डिलीट नहीं होगा ना ऐसे में, लेकिन दोबारा जो फॉर्मेट करके मैं कंप्यूटर ओपन होगा मेरा फॉर्मेट होने के बाद, उसमें तो ये रिसाइकल बिन नाम का फोल्डर नहीं मिलेगा ना, वो तो खाली रहेगा रिसाइकल बिन, उसमें खाली रहेगा ना। तो मेरा डेटा क्या होगा, इसमें रहेगा ही रहेगा, वो डेटा डिलीट नहीं होगा, ठीक। समझ में आ गया आपको? इसीलिए फॉर्मेट करने से पहले रिसाइकल बिन आप खाली करके फॉर्मेट करना, ठीक। लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, क्यों? क्योंकि उनको आता ही नहीं जी, ठीक है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये बताया नहीं जाता। क्यों नहीं बताया जाता? कौन मेहनत करके इतना करता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रिसाइकल बिन को खाली करके बाकी काम कर लिया करना, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। मेरा डुअल बूट सिस्टम है, मैंने आपको बताया, इसको ऊपर यहाँ, इसमें सी ड्राइव में विंडोज 7 है, इसमें जो है विंडोज 10 है, ठीक। अब मैं विंडोज 10 से जो है बूट करता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। विंडोज 10 से बूट करता हूँ, उससे पहले मैं इसको जो है बंद कर लेता हूँ और उस वाले पार्ट को भी इसमें जोड़ दूंगा, तो आप देख ले। आप फॉर्मेट जैसे ही करोगे सिस्टम तो कुछ इसी तरह का दिखेगा ना, विंडो 10 डालोगे तो कुछ ऐसे ही दिखेगा। अब इसके रिसाइकल बिन में मैं जाऊंगा ना, तो ये देख लीजिए खाली है, ठीक है। लेकिन ये देखिए हार्ड डिस्क मेरा डी ड्राइव बन गया है अभी, ठीक है। जो मैं विंडो 7 ओपन किया था वो विंडो 7 इसमें था, ठीक है। अब ब्राउजर में खोल के उसको ओपन करूंगा तो खुलेगा, हाँ होगा, ठीक है। डी में मार के एंटर किया, ये देखिए है यहाँ पे रिसाइकल बिन फोल्डर, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा शायद डेटा की वजह से घूम ही रहा है खाली। ये घूम रहा है खाली, शायद हैंग मत कर जाए। तो ये डेटा अभी भी जो है इसी में है, पर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है जी। तो यही है रिसाइकल बिन, बाकी रिसाइकल बिन के बारे में कुछ जानना है तो आप पूछ लीजिए। क्यों, और कुछ जानना है आपको रिसाइकल बिन के बारे में तो बताइए, और नहीं
तो अब मुझे बचा नहीं कि मैं कुछ बताऊं रिसाइकल बिन के बारे में, और ये घूम रहा है सिर्फ, ये ओपन क्यों नहीं कर दे रहा है कि मैंने क्या डिलीट करा था। इसमें तो कुछ हाँ सीधा ऊपर नहीं दे सकते बिना क्या चीज क्या कह रहे हो? रिसाइकल बिन देखो जी, रिसाइकल बिन का डेटा अगर डिलीट करना है आपको तो रिसाइकल बिन में जाना पड़ेगा ना, या फिर रिसाइकल बिन को राइट क्लिक करेंगे फिर एम्प्टी रिसाइकल बिन आप कर देंगे, तभी तो होगा ना उसका डेटा डिलीट। लेकिन आप कंप्यूटर ही सीधा फॉर्मेट कर दोगे तब तो रहेगा ही वो रिसाइकल बिन में। अब उसको डिलीट करना है तो क्या करोगे आप? या आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर लो, या तो आप, मेरा सिस्टम डुअल बूट है तो मैं लाइनेक्स से जो है ओपन करूँगा, यूबंटू से जो है वो अपना कंप्यूटर ओपन करूँगा और उससे डिलीट कर दूंगा। इसके बाद मैं यूबंटू को ओपन करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है? उसमें कैसा होगा, मैं यूबंटू से डिलीट कर लूँगा या तो मैं खुद का प्रोग्राम बना लूँगा, ठीक है? मैं खुद का प्रोग्राम लिख लूँगा किसी भी लैंग्वेज पे, .NET पे लिख लूँगा, PHP पे लिख लूँगा, जावा पे लिख लूँगा, जिससे कि वो फाइल जो है डिलीट हो जाए, ठीक है? तो आप भी कुछ ऐसा चाहो तो कर सकते हो जी, आसान काम है, ठीक है? तो बाकी आप यहाँ से देख लो, ये मूवी है पूरा, इसमें दिखाई दे रहा है वैसा ही। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये प्ले हो जाएगा, ठीक है? सारा इसमें दिखाई देगा आपके ब्राउजर में ही, ठीक है? ये देख लीजिए आप, मैं बंद कर देता हूँ, खैर इसका अब जरूरत खत्म हो गया, ठीक है? और कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है? और कुछ पूछना है कुछ किसी को? पेन ड्राइव में आज फिर भूल गया, इसलिए यूजर अकाउंट बनाना आज नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है? चलिए मैं यूबंटू को ओपन करता हूँ और उससे आपको दिखाता हूँ रिसाइकल बिन, ठीक है? उसमें कोई रिकॉर्डिंग को यहीं पे पॉज कर देता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ मैं, डाउनलोड हो गए मेरे रिकॉर्डर। तो ये सॉफ्टवेयर सेंटर है जी, यहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, आप लोग जानते हैं, ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो विंडोज से मैं डिलीट किया था उस फाइल को, वो कहाँ है। माई फाइल को मैं ओपन करूँगा, ठीक है? और आऊँगा अदर लोकेशन में, ठीक है? यही इंटरनल लिंक्स था वो। ये देखिए यहाँ पे रिसाइकल बिन का फाइल है, इसको मैं खोलूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, और फिर मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पे ये देखिए मिल गया फाइल। यहाँ पे देखिए सारा विंडोज के रिलेटेड आ रहा है ना, ये देखिए आ रहा है। डबल क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज रहा है, पता नहीं क्या लिखा है। चलना तो चाहिए था नहीं इसको से? तीन विंडोज अपडेट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ऐसे जो है आप क्या करोगे, चला लिया करोगे। ओ नो, ऐसे कैसे चल गया, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है। तो विंडो बड़ा पावर अपडेट तो करना तो ये नहीं क्या? ये देखिए चल रहा है रिसाइकल बिन में, मैं यही तो डिलीट विंडोज डाला था, यही डाला था ना मैं डिलीट करके रिसाइकल बिन में, यहाँ पे आके है। लेकिन जैसे ही मैं विंडोज को, अब मैं यहां से इसको कॉपी करके रख सकता हूँ, ठीक है? डिलीट भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से, अभी कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये रिसाइकल बिन आप यहाँ से देख लोगे। इसको मैं ओपन करूंगा टर्मिनल से, ठीक है? ओपन टर्मिनल पे क्लिक कर दिया, तो जैसे आपने पढ़ा था ना डॉस में DIR लिख के एंटर मारते हैं तो डायरेक्टरी दिखता है, यहाँ पे भी मार दिया तो दिख गया। तो ये देख लीजिए यहाँ पे फोल्डर रिसाइकल बिन है,
अब जो मैंने बात रिसाइकल बिन के बारे में, विंडोज के बारे में कहा, वही जो है लाइनेक्स में भी होता है। लाइनेक्स में ट्रैश होता है, विंडोज में रिसाइकल बिन होता है। ठीक है, एलएस कमांड दूंगा तो ये दिखेगा, एलएस स्पेस हाइफन ए दे दूंगा तो हिडन फाइल भी दिख जाएंगे। ठीक है, खैर कमांड्स वगैरह मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा कभी। ठीक है, अब यहां से रिसाइकल बिन नाम का फोल्डर मैं चाहूं तो डिलीट कर सकता हूं, डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो आपने देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा रिसाइकल बिन के बारे में। सर, अगर यहां से वो रिसाइकल बिन जो डेटा है वो डिलीट करके तो उसमें भी डिलीट हो जाएगा? हाँ, यहां से अगर आपने डिलीट कर दिया तो विंडोज से भी डिलीट हो जाएगा, विंडोज से भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि विंडोज जो है रिसाइकल बिन जानता है, लाइनेक्स थोड़ी जानता है, लाइनेक्स तो मार ही देगा पूरा डिलीट। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि मैंने फाइल को ओपन किया, ठीक है, ये कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, या फिर मैं इधर आता हूँ, इंटरनल हार्ड डिस्क में आता हूँ, ठीक है, और क्या करूँ क्या करूँ, इस वीडियो पे राइट क्लिक किया और कर दिया इसको मूव टू ट्रैश, डिलीट हो गया। ये मैं लाइनेक्स के थ्रू डिलीट किया हूँ, ठीक है, लेकिन ये डिलीट तो हुआ नहीं है, इसी जो है ड्राइव में ट्रेस नाम का एक डॉट ट्रेस नाम से फाइल बना होगा, वहीं पे वो फोल्डर मूव हो गया होगा। ठीक है, जैसे विंडोज में रिसाइकल बिन नाम के फोल्डर में जाता है, देखना है आपको तो आप यहां पे आ जाइए। मैं यहां पे क्या देता था, ड्राइव का नाम देता था और एंटर मारता था तो खुल जाता था, लेकिन जी यहां पे नहीं खुला। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख लिया करोगे। ठीक है, अब ये ट्रेस है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आया हुआ है ना दो यहाँ पे फोल्डर, ये फोल्डर वही वाला है जो कि मैं डिलीट किया था अभी। ठीक है, तो ये फोल्डर यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको बंद करूंगा अपना लाइनेक्स को, और विंडोज 7 ओपन करूंगा अगर। ठीक है, तो जैसे विंडोज 7 ओपन करूंगा तो मेरा जो भी फाइल था यथावत वैसा ही रहेगा। ठीक, आप लोगों को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, मैं अन्यथा बंद कर दे रहा हूं। कोई समस्या, रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ, ये स्टॉप। रिसाइकल बिन मैं खोलता हूँ तो ये जो फाइल मैंने डिलीट कर रखा था वो यहाँ पे है। ठीक है, तो मैंने आपको दूसरा विंडोज भी ओपन करके दिखा दिया, यूबंटू में कैसे होगा वो भी मैंने दिखा दिया। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया होगा। लाइनेक्स में मैंने कुछ फोल्डर को डिलीट किया था तो वो गया था ट्रैश नाम के फोल्डर पे, ये देखिए यहाँ पे है वो, है ना। तो इसी तरह से आप जो है डिलीट किया हुआ फाइल को रिकवर कर सकते हैं, परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, जो मन कर सकता है वो कर लो आप, आपका कंप्यूटर है जी, आपका जो मर्जी वो करिए। ठीक, और यहाँ से पे मैं जो डिलीट किया था उसको भी मैं जो है रिस्टोर कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, रिस्टोर हो गया। तो आप किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना रिसाइकल बिन में, रिसाइकल बिन काम कैसे करता है, कहाँ डिलीट करता है, कैसे रखता है, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जी, बंद कर दूंगा अब। चलिए जी, बंद कर दे रहा हूं अब मैं।